अभी आप मेरे पीछे जिन नौजवानों के देख रहे हैं, ये दरअसल बिहार पुलिस में बहाल हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हज भवन के कोचिंग एंड गाइडेंस सेल का फ़ायदा उठाया है। इन लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया था, यहाँ के लोगों से, अफसरों से ट्रेनिंग हासिल की थी, और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो इसका एक नमूना आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद कुछ नौजवानों से बात कराएंगे और ये पूछेंगे कि इनके क्या सपने थे, और जो सपने वो ले करके आए थे क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और अब इसके बाद उनकी ज़िंदगी का, कैरियर का कौन सा हिस्सा कैसे शुरू होगा, और जिस जज्बे से, जिस ईमानदारी का शपथ लेकर ये आगे बढ़े हैं, कामयाबी हासिल की है, वो उसको अमली ज़िंदगी में ये लोग कैसे बरतेंगे। हम आपको बताते चलें कि हज भवन से 277 लोगों ने कामयाबी हासिल की है। इनमें से 222 जो हैं वो कांस्टेबल और दूसरे ओहदे पर बहाल हुए हैं, और इसके साथ ही जो 55 लोग हैं वो सब इंस्पेक्टर यानी के दारोगा के ओहदे पर बहाल हुए हैं। इनमें से 11 लड़कियां भी शामिल हैं। इनकी कामयाबी के बारे में हम इन्हीं से बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब दारोगा में 124 में हमारे बच्चे 55 आए। आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि मेरे समाज में निश्चित तौर पर हम सबसे पीछे थे। हमारा समाज नहीं सोचता था हमें दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, सोच नहीं पाता था, एग्जाम दे ही नहीं पाता था, आगे आता ही नहीं था, पहले नर्वस हो जाता था। यह खुशी की बात है कि जो 55 बच्चे हमारे आए हैं उससे 11 बच्चे, हमारी बच्चियां साथ पीछे खड़ी हैं, 11 बच्चियां उसमें हैं। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन, उनको मैं जज्बा को सलाम करता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था पे उम्मीद करके, इस डिपार्टमेंट पे उम्मीद करके इन बच्चियों को भेजा। इन्होंने भी इज्जत कमाई, बच्चे हम सबका भी नाम रोशन किया। इन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि सिपाही में, कांस्टेबल में 420 में से 222 बच्चे हमारे आए थे। इन सबकी मेहनत से 222 बच्चे आए थे। 222 में से 40 बच्चियां थी, 40 बेटियां थी। ये बहुत बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर आगे भी हमारा यह हज भवन यहाँ के अफसरान इतिहास बनाएंगे, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। और तमाम बच्चे, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी हमारे गरीब भाई हैं, जो पिछली पंक्ति में समाज के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बच्चियाँ सोचती हैं, बच्चे सोचते हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे डीपीएससी निकालूँ, कैसे कांस्टेबल और सिपाही बनूँ, कैसे मैं अधिकारी बनूँ, उनके लिए है बहुत स्वागत करता है, वेलकम करता है, तमाम अफसरान वेलकम करते हैं, हम सब वेलकम करते हैं। वहाँ निश्चित तौर पर जो आपने देखा है इससे भी अच्छा अगले डेट में बच्चे हमारे कामयाब होंगे, इनमें उम्मीद है, भरोसा है। और आप भी जो बच्चे हों, जो आपसे मुलाकात होती है उस गार्जियन लोगों से, ऐसे बच्चों को आप भी यहाँ शामिल कराएं, पूरी तैयारी की जाएगी, फिर व्यवस्था दिया जाएगा निःशुल्क। निश्चित तौर पर देश के अंदर ये ऐसा मैसेज देगा मेरा हज भवन, इतिहास बनेगा। हमारे साथ अभी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहम्मद जमा खान साहब हैं। इनके कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका डिमांड हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने किया है। सर, कई लोगों ने ये मांग की है कि जिस तरह से हज भवन की फैसिलिटी पटना में है वो डिस्ट्रिक्ट सब में भी हो। इस पर हमारी बात चल रही है, हमारी इस पर बात भी माननीय मुख्यमंत्री से हुई हुई है, और एक दो महीने में इस पर बैठक हम लोग करेंगे। क्योंकि कोरोना का माहौल भी चल रहा है, तमाम समस्याएं हैं, आपदा है, उस समस्याओं से हमारी सरकार, हम लोग लड़ रहे हैं, उस पर जो हर व्यवस्था कर रहे हैं उस पर हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस पर बात बनेगा, बैठेंगे हम लोग, और जो आपने कहा है इस चीज़ पर मेरे ध्यान में है, मेरे दिमाग में है, उसकी भी हम लगेगा, लग रहा है कि उसकी व्यवस्था हम करेंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि PPSC और पुलिस के अलावा और भी जो दूसरे है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसकी भी तैयारियाँ होनी चाहिए। ये इससे करने से हौसला बढ़ा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकासपुर श्री नीतीश कुमार जी का हौसला बढ़ा है, जो उनकी सोच का उपज था ये कोचिंग, उसमें जो भी अफसरान ने लोगों ने मेहनत किया उनका रिजल्ट उन्होंने देखा है। उस रिजल्ट पे निश्चित तौर पे मेरी सरकार खुश है कि सरकार ने जब मेहनत किया, व्यवस्था दिया, व्यवस्था के तहत हमारे बच्चे कामयाब हुए, ये देखते हुए निश्चित तौर पर आगे भी व्यवस्थाएँ जो आपने कहा है उस समय में हम लोग जाएँगे, उसकी भी तैयारी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद हिसामुद्दीन, हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कोचस है गांव। और हमको हजबन में जब हम आए तो हमको इतनी खुशी हुई कि तारीफ नहीं कर सकते हैं। इसमें मेन भूमिका रहा आबी सर का, हारून सर का और इलियाका सर का। जैसे कि हम रनिंग के लिए तो कोई हमको दिक्कत नहीं होता था, हमको हाई जंप मारने के लिए दिक्कत होता था, तो हमको हारून सर इतने अच्छे अच्छे तरीके से किए कि सब लड़के हाई जंप जो चार चार नहीं मार रहे थे, जो चार आठ मार के वहाँ पे आए थे, पाँच प्लस मार के आए थे। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हज भवन का। जो खाने का यहाँ पे सिचुएशन था बहुत ही अच्छा था, इसकी हम तारीफ तो नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा लाइफ में कभी खाना नहीं खाया था। हर जगह दौड़ने के लिए हम लोग को पैदल लेके नहीं जाते थे, हम लोग की सुविधा मिली थी यहाँ पे जाने के लिए, बैठने कॉलेज में हम लोग का रनिंग करवाने के लिए। बहुत ही हमको खुश नसीब हैं, और सबसे खुश नसीब इस बात का है हम कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हमको, हम कांस्टेबल पे हैं इस समय, मुजफ्फरपुर में हमारा ज्वाइनिंग हुआ है। हम वहाँ के जितने भी अपने कौम के हैं, एक बार हम वहाँ पे गए तो बोले कि कहाँ से आए हो, तो हम बोले कि हज भवन से आए। हमको बेड नहीं मिला था वहाँ पे रहने के लिए, बस हमारे कौम के आए कि आप हज भवन से बिलोंग करते हैं। हमको तुरंत हर एक चीज़ का व्यवस्था हमको मिला, बहुत खुश हुए इस प्लेटफॉर्म से हमको आके। हम चाहेंगे कि जो लड़के भी अभी सुन रहे हों हमारी बातों को, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो नेक्स्ट टाइम और मेहनत करें, सर का थोड़ा सा बात माने। सर एक ही बात कह के गए थे कि जो हज भवन छोड़ दिया समझो वो अपना लाइफ छोड़ दिया, जो यहाँ पे रह गया वो अपना लाइफ सेटल कर लिया। मेरा नाम नसीम अंसारी, मैं वेस्ट चंपारण बेतिया से बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हज भवन में जिस तरह की तरबियत दी जाती है शायद वो कहीं और जगह ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज से लेकर, पढ़ाई से लेकर, हर एक चीज दीनी इस्लाम के बारे में भी इतनी अच्छी बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, हमें हराम और हलाल के बारे में भी फर्क बताया जाता है कि हम अपने कौम के लिए आगे चलकर कुछ एक बेहतर काम कर सके, जो आज के दौर में एक मिथक बन चुका है कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकराम सिद्दीकी है, औरंगाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हज भवन का, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं जिस गांव से, जिस मोहल्ले से, जिस रूरल क्षेत्र से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पास हाई जंप कूदने के लिए गद्दे का व्यवस्था नहीं था, मेरे पास शॉर्ट पुट के लिए मेरे पास गोले की व्यवस्था नहीं था। मैं अगर हज भवन यहाँ पे नहीं आ पाता तो मैं सपने में नहीं सोचा था मैं इस मकाम तक पहुँच पाऊँ। इसमें हमारे कोचेस, हमारे ट्रेनर्स अहम भूमिका निभाए, हमेशा हारून सर ने मोटिवेट किया, नेवर गिव अप, हमेशा प्रयास करो, ऑलवेज ट्राई। तो हमने भी हमेशा अपने स्तर से, अपने तरीके से हमने प्रयास किया, हमने कोशिश किया। मैं मोहम्मद कौसर आलम औरंगाबाद ज़िले के एक गांव चैनगा से बिलोंग करता हूं। मेरी 10th तक की पढ़ाई औरंगाबाद ज़िले से हुई, उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हूं। मेंस का जब रिजल्ट आया तो हज भवन का कॉल आया कि आप लोग हज भवन में आइए और निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कीजिए। तो हम लोग आपस में डिस्कस किए कि हमारे पास भी कॉल आया था क्या, या सही है या गलत है। तो लोग बोले कि नहीं नहीं मेरे पास भी आया था। तो फिर हम लोग यहाँ हज भवन में आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो 8.5-9 मिनट का जो दौड़ था मेरा यहाँ पे आने के बाद, मैंने फाइनल गर्दनी बाग में मुझे 6 मिनट का टाइम लगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज भवन का, चाहे वो सारे कोचेज हैं, चाहे हारून सर हों, आबिद सर हों, लियाकत सर हों, बहुत ही मोटिवेट किए। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ अभी सब इंस्पेक्टर में बहाल हुई कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अभी हज भवन में हैं। हम इन लोगों से अभी ख़ास तौर से बात करेंगे कि इनकी जो कामयाबी रही है उस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये कि इन लोगों को क्या दिक्कतें भी हुई इस दौरान और इन लोगों को यहाँ से क्या सहूलतें हासिल हुई। जी, मेरा नाम रवीना रिजवी है, मेरे फादर का नाम मोहम्मद निशार अहमद, मैं छपरा ज़िला से बिलोंग करती हूँ। जी, मेरा नाम ज़ेबा नियाज है, मेरे पापा का नाम एमडी नियाज अहमद सिद्दीकी है, हम पटना ज़िला बाढ़ की रहने वाले हैं। मेरा नाम शाहीन फिरदौस है, पापा का नाम अब्दुल्ला अंसारी है और मैं वेस्ट चंपारण से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम इरफत परवीन है, मेरे पिता का नाम जमाल अहमद है, मैं भोजपुर की रहने वाली हूँ।
मेरा नाम ग्लफ्सा शहजादी है और मेरी अम्मी का नाम सालेहा बेगम है और मेरे नाना का नाम वकील खलीफा है, फादर्स नहीं है, कैमूर से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम नाजनीन रफ़ी है, मेरे फादर्स का नाम रफ़ी अहमद है, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शन्नो परवीन है, मैं गया के एक छोटे गांव मोहली से बिलोंग करती हूँ। जी मेरा नाम शबाना आज़मी है, मैं चंपारण की मोतिहारी से बिलोंग करती हूँ और मेरे अबू का नाम मोहम्मद शकीर अहमद है। जी मेरा नाम फरीन खानम है और मेरे फादर का नाम सलाउद्दीन खान है और मैं सिवान से बिलोंग करती हूँ। जी मेरा नाम फरहत प्रवीन है, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम रिजवान कादरी है। मैं रोही फातिमा, मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा का नाम मोहम्मद रफ़ी है। एक सबसे एक जनरल सवाल इनसे ये पूछेंगे कि पुलिस के बारे में या पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बिल्कुल नेगेटिव परसेप्शन है समाज का, ऐसे में एक मुस्लिम होकर के इन्होंने इस कंपटीशन को किस तरह से फेस किया, क्यों फैसला किया? जी आप बताइए। जी जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय में लड़कियों का तो आपको पता ही है कि उतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जिस तरीके से लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनके अंदर तालीम की वो ललक आ रही है, जिसकी वजह से लोग इस डिपार्टमेंट में आने की भी कोशिश कर रहे हैं। पहले बस सिविल जॉब करने की कोशिश करते लोग थे लोग और पुलिस डिपार्टमेंट में किसी की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि जाएं, लेकिन अब जब लग रहा है कि हज भवन के थ्रू जो बहुत सारी लड़कियां जो पास आउट हो रही हैं और इतने अच्छे काम कर रही हैं हर जगह जगह पे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे एडमायर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग आने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आप जब आए थी तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं फिजिकल के टाइम में आई थी क्योंकि मैं पहले से जॉब में हूँ ऑलरेडी बिहार पुलिस में, तो नहीं थी, लेकिन बट यहाँ आने के बाद उतना बहुत केयर किया गया, बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया, उसके बाद मेरा हो गया। किस तरह से ध्यान दिया गया? मतलब फिजिकल पे बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली फोकस किया गया जो वीक थे, जिनसे लगता था कि नहीं हो पाएगा उसके लिए, और मतलब खाने पीने में भी बहुत डाइट वगैरह का सब कुछ मेंटेन किया गया, सब कुछ किया गया। खाने पीने के बारे में आप सब ने तारीफ़ की, क्या मिलता रहा है? जी यहाँ खाना बहुत ही बेहतर मिलता था, हाइजीन के साथ मिलता था और प्रोटीन रिच डाइट मिलता था, विटामिन्स किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, जैसे कि सुबह ब्रेड जैम फ्रूट्स मिल्क एग सब का इंतज़ाम होता, दिन के खाने में भी दाल प्रचुर मात्रा में बहुत ही अच्छा मिलता था, सैलेड मिलता था, वेजिटेबल्स मिलता था, राइस पापड़ रोटी सभी चीज़ का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, और ख़ासकर सुबह और शाम दूध, जो कि बाकी जो वीकर सेक्शन से जो लड़कियां हैं उनको शायद दूध ना मिलता, लेकिन यहाँ दो टाइम आपको सुबह और शाम बहुत ही प्रचुर मात्रा में दूध और फल और जूस भी साथ में दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। फिजिकल किसने किया? आपने किया फिजिकल? क्या खास बात थी उसमें, क्या क्या कराया जाता था फिजिकल में? यहाँ रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट कराए जाते हैं। फिजिकल की परीक्षा इसलिए मायने बहुत ज़्यादा रखती है और हज भवन का बहुत ही योगदान है इस चीज़ में, लड़कियां जो घर में स्टडी कर सकती हैं और वो किसी भी ऑफिसर को मतलब बनने के लिए तैयारी कर सकती हैं, लेकिन इस परीक्षा के लिए जो थर्ड स्टेज है मतलब उसको क्वालिफाई करना फिजिकल एक्टिविटी, वो चीज़ के लिए वो मतलब तस्वर नहीं कर सकती है कि वो चीज़ वो घर पर रह के कर सकती है, वो एक होता है ना कि शर्मिंदगी वाला बाहर जाके आपको रनिंग करना है ये सभी चीज़, वो चीज़ हज भवन में बहुत ही बारीकी से एक एक बच्चे पर कि उसमें कितना पोटेंशियल है उस हिसाब से तैयारी कराया जाता है। मान लिया किसी का वेट ज़्यादा है तो उस पर वर्कआउट भी उतना ही कराया जाता है, तो मेरे फिजिकल के लिए मैं पूरा श्रेय अपने हज भवन को दूंगी। इसमें रनिंग पे और उसी के साथ एक्सरसाइज स्टेमिना बूस्टअप कराया जाता है आपका, एक एक एक्सरसाइज करा के, ताकि आप हाई जंप लॉन्ग जंप बहुत आसानी से और शॉर्ट पुट कर सकें, और इस चीज़ में सिर्फ फिजिकल ही नहीं दीनी तालीम भी दी जाती है यहाँ पे कि अपने कौम की के दायरे में रह के आप कैसे समाज की बेहतरी के लिए आप अपना योगदान करें, और जो यहाँ रहने और खाने पीने का जो सुविधा है बहुत ही बेहतरीन है, आप घर पे जो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती है वहाँ यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से वो चीज़ दिया जाता है। मतलब कि फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी जो गजा की है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। हेल्दी डाइट जो कहा जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चाहिए, वो चीज़ बहुत ही केयर किया जाता है, मतलब मसाले तेल वगैरह का यूज़ बहुत कम करके वो हेल्दी डाइट प्रोवाइड किया जाता है। किसी एक लड़की को, किसी आम लड़की को अगर इस पुलिस डिपार्टमेंट में आना हो तो आप जिस रास्ते से आई हैं जरा सा वो स्टेप बाय स्टेप बताइए कि वो किस तरह से आ सकती है। मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की को सब इंस्पेक्टर बनना है या SI बनना है, उसको सबसे पहले प्री पे फोकस करना चाहिए, प्री के लिए जितना एग्ज़ाम के लिए चाहिए उतनी उसको पढ़ाई करना चाहिए, फिर मेंस के लिए, मेंस में तो ये स्टडी करना चाहिए पर इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरिट लिस्ट में ही आना है, और मेरिट लिस्ट में मेंस का इतना मार्क्स होना चाहिए कि सारे एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट में आ जाए, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो यहाँ हज हाउस तो बहुत ही अच्छा है, और फिजिकल के लिए अपना वेट पर ध्यान दे, अगर
डाइट है तो उस पर ध्यान दे और अपना रनिंग प्रैक्टिस करे, और जहाँ से अगर ऐसा उसको मौका मिलता है हज भवन में आने का, तो वो हज भवन में आए और अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करे। और क्योंकि यहाँ पे इंसान इंजरी भी हो जाता है तो उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे थी, मेरा एग्ज़ाम 3-4 दिन पहले था और मैं किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फ़िज़िकल क्वालिफाई कर लूँगी, पर नहीं, पर मुझे लगा कि सर लोग इतना मेरे लिए कर सकते हैं, जो 15 दिन बेड रेस्ट के बावजूद भी मुझे कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। तो ये कितना पढ़ने के बाद है कंपटीशन फेस करना पड़ता है? कितना पढ़ने के बाद? ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद ये एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो आप डाल सकते हैं। हमको किसी ने बताया कि यहाँ किसी का वज़न 80 या 90 के जी था और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी और उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका होगा। कौन है, किन का? अच्छा, हाँ, आप सबसे ज़्यादा वज़नदार हैं? हाँ, यहाँ पे आए थे ना, हम सबसे बहुत ज़्यादा हैवी, लगभग मेरा 78 के जी वेट था। अब अभी मेरा 68 के जी, मेरा जब वहाँ पे हाइट और वेट हुआ तो वहाँ मेरा 68 वेट आया, क्योंकि मेरे डाइट पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे पे ही लोग ध्यान देता था, कैसे डाइट लेना है, कैसे खाना खाना है। सब लोग 8 राउंड मारता था, वहाँ 18 राउंड मारते थे अकेले, धीरे धीरे सब लोग एक्सरसाइज भी करके मतलब फिर से दोबारा रनिंग के लिए जाता था, तब तक हम राउंड मतलब रनिंग करते ही रहते थे। इस वजह से मतलब कम से कम 3-3.5 मंथ तक ऐसे ही करते रहे, फिर वेट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, 10 kg वेट लूज़ किए। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि सब इंस्पेक्टर के जब आप रोल में आएंगी तो किस तरह से व्यवहार करेंगी, बर्ताव करेंगी? जी, जैसे मैं पहले थी वैसे ही अभी भी रहूँगी, क्योंकि पद मिल जाने से किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा को भी बुरा लगता है, जैसे हैं वैसे सभी के साथ पेश आऊँगी। अपनी जिम्मेदारी किस तरह से अदा करेंगी? जी, मैं अपनी ईमानदारी से अदा करूंगी, ना ही किसी के साथ धोखा या फिर गलत काम नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा मजहब ये अलाउ नहीं करता है, और अपने पद का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये पता है किसी सब इंस्पेक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसकी? सर, एक सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी जब आप ओहदे पे आते हैं तो सबसे पहले तो अंडर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग BPA में होती है तो वहाँ से ट्रेनिंग जब पास आउट होते हैं फिर आपको JSI का पद दे दिया जाता है। JSI के पद में आप वहाँ पे अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं कि आप चार्जशीट कैसे दायर करेंगे, या फिर आप केस, कोई भी केस आ रहा है तो उसका कैसे करेंगे, जो ऑफिशियल वर्क है जैसे रनिंग रजिस्टर कैसे करेंगे, स्टेशन डायरी कैसे करेंगे, सारी चीज़ें जो हैं आपको वो पहले सिखाई जाती है। तकरीबन 1-2 साल तक आप अंडर ट्रेनिंग के बावजूद भी आपको JSI का जब पद मिलता है तो आप वहीं करते हैं। उसके बाद जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको छोटे बाबू, जैसे हम लोग आमतौर पे गांव में लोग कहते हैं कि छोटे बाबू हैं, बड़े बाबू हैं, तो छोटे बाबू का वो होता है, तो थाने का जो इंचार्ज होता है उनके बाद का ओहदा छोटे बाबू का ही होता है। सबसे बड़ा अगर किसी भी थाने का इंचार्ज वहाँ के SHO सर होते हैं, तो उसके बाद का ओहदा अगर उनकी गैर हाजिरी में कोई शख्स हो तो वो छोटे बाबू ही होंगे, और फिर उसके बाद उनका प्रमोशन होता है, फिर वो SHO बनते हैं। जब SHO बनते हैं तो एक थाने के मालिक हो जाते हैं, और उस दरमियान उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी सारे केसेस आ रहे हैं, वो आपका संज्ञेय अपराध का हो या असंज्ञेय अपराध का, उसको बहुत ही बारीकी से समझे, जो भी केसेस हैं, जो भी संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध में जो भी अपराधी हैं उसको वो पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ को छोड़ें और सुधरने की कोशिश करें। अगर वो लोग नहीं मानते हैं फिर उस पर चार्जशीट दायर किया जाता है, और फिर उस पर मुकदमे दायर करके उन्हें कोर्ट भेजा जाता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाती है। आखिरी में जो हमारी बहनें हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अपनी वर्थ को समझे कि आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, और इस पर एक गीत है या जो मैंने अपने आप से लिखा है और ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सुने और इस चीज़ को वो बखूबी अपने आप पे लागू करें। जैसे ये गीत है, ये ना कह कर टाल दो कि हम है केवल लड़कियाँ, ये ना कह कर टाल दो कि हम है केवल लड़कियाँ, राष्ट्र की सम्मान है और देश की बल लड़कियाँ, राष्ट्र की सम्मान है और देश की बल लड़कियाँ, हम किसी से कम नहीं बिगुल बजाती लड़कियाँ, ये न कह कर टाल दो कि हम है केवल लड़कियाँ, एक लड़की पढ़ ली तो परिवार सारा पढ़ लिया, एक लड़की पढ़ ली तो परिवार सारा पढ़ लिया,
राष्ट्र के सम्मान है हम सभी ये लड़कियाँ। ये न कह कर टाल दो कि हम है केवल लड़कियाँ। पुलिस का अपना एक रोब होता है, तो आपको लगता है कि आपके रोब में लोग आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल पुलिस विभाग रोब दिखाने वाली चीज़ नहीं है डिपार्टमेंट। हमें डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ना रहता है, ठीक है, और पब्लिक का ये हक है वो आके डायरेक्ट हमसे शिकायत करे और हम उनकी शिकायत का निवारण करें। तो जैसे कि दरोगा बनने के बाद रोब नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, और करप्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा कि बहुत ज़्यादा करप्शन है अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इतने अच्छे से हमारे सिस्टर हैं, शायद कुछ तो करप्शन कम होगा। हसबैंड से मैंने जो किया है, जो मैं जानती हूँ, उसके बारे में एक नज़म के थ्रू आपको बता सकती हूँ। ये बंदी हैं उस कम इल्म समाज की डोर से, ये बंदी हैं उस कम इल्म समाज की डोर से, इस डोर को तुम तोड़ दो, उस राह पे इन्हें छोड़ दो, जिस राह पे ना गफलत हो सिर्फ इल्म हो, कम उम्र शादी जैसा ना जुल्म हो, इन्हें उड़ने दो, इन्हें उड़ने दो, इन्हें इस दुनिया से जुड़ने दो, फिर देखना ये उड़ जाएंगी ताड़े चुन चुन कर लाएंगी, फिर देखना उड़ जाएंगी तारे चुन चुन कर लाएंगी, भर देंगी तेरे दामन को इस इल्म के तारे से, इस इल्म के तारे से भर देंगी तेरे दामन को इस तारे की रोशनी से, कम इल्म अंधेरा छट जाएगा, फिर इज्जत होगा शोहरत होगा, रुतबा होगी वकार होगा, उड़ने दो इन्हें इस दुनिया से जुड़ने दो। तो आपने देखा कि ये वो लड़कियाँ हैं जो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं सब इंस्पेक्टर के रोल में, और इन्होंने अभी से ही अपने आप को तैयार कर लिया है और एक तरह से आसमान के तारे तोड़ लाने का इन्होंने इरादा कर लिया है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।